10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ बड़ा खेल करने में जुट गई अतीक की बीवी शाइस्ता। हत्या के बाद अतीक की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने में जुटी शाइस्ता। अपने सीए के जरिए संपत्ति की सुरक्षा के काम में जुटी शाइस्ता। फरार होने के बावजूद करीबियों की मदद से अपने मकसद को अंजाम दे रही है शाइस्ता। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही पुलिस अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें शाइस्ता की तलाश में कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच ये खबरें आने लगी है कि अतीक की बीवी शाइस्ता अब अतीक का कारोबार और साम्राज्य समेटने में लगी हुई है। इसके साथ ही शाइस्ता वकीलों की फीस और अन्य खर्चों के लिए अपने करीबियों से फंड जुटाने के काम में भी लग गई है। शाइस्ता परवीन अतीक की संपत्ति को अपने नाम कराने में जुटी हुई है। UPSTF को मिली जानकारी के अनुसार अतीक की बीवी अतीक के नाम दर्ज कंपनियों और संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। यूं तो शाइस्ता फरार है, लेकिन फरार होने के बावजूद वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक की संपत्ति का आकलन 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लगाया गया है। मामले की जांच कर रही कई जांच एजेंसियों ने कई बैंक अकाउंट से पैसे का मूवमेंट ट्रेस किया है। यह अकाउंट शाइस्ता और अतीक के करीबियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता अपने करीबियों और उन बिल्डरों से आज भी कॉन्टैक्ट में है जिनके अतीक से अच्छे संबंध थे। सूत्र बताते हैं UP पुलिस शाइस्ता के चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तलाश कर रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि वही चार्टर्ड अकाउंटेंट अतीक अहमद और अशरफ अहमद की प्रॉपर्टी और बिजनेस का रिकॉर्ड संभालता था। इसी CA की मदद से शाइस्ता परवीन प्रॉपर्टियों को अपने नाम करवा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन के बारे में जानकारी मिल गई है। गुड्डू मुस्लिम को आखिरी बार ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखा गया है। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है। पुलिस की टीम ने ओडिशा के बारगढ़ इलाके से राजा नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। राजा नाम के इस युवक ने बताया है कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। गुड्डू मुस्लिम झांसी, नासिक और पुणे से होता हुआ ओडिशा पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वो छत्तीसगढ़ भाग गया था। अब बात करते हैं UPSTF के DG अमिताभ यश की। अमिताभ यश ने कहा है कि अतीक की बीवी शाइस्ता जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगी। शाइस्ता की तलाश में लगी SDF की टीम ने आज तक को बताया है कि फरार महिला आरोपी शाइस्ता की लोकेशन प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में ही मिल रही है। 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। इसके पहले शाइस्ता की लोकेशन धूमनगंज इलाके में मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची वो भाग चुकी थी।